Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So today we will start physics chapter 1. Okay, physics ka chapter 1 start karenge, jiska naam hai motion. Right, so what is motion? Motion ka matlab kya hai actually? Jab koi body hai wo move karta hai, tab usko hum bolte hai ki wo motion hai. Right, now you are in two state actually. पहले बैठे हो तो आप रेस्ट स्टेट में होते हो, जब आप खड़े होकर कोई एक्टिविटी करते हो तो आपका बॉडी मोशन में होता है. ठीक है, हमने मोशन के बारे में चैप्टर 1 में भी देखा था कि पार्टिकल मोशन में कब आते हैं, और या फिर मैं ऐसे बोलूं कौन से स्टेट में ज्यादा मोशन होता है. गैस में सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी भी गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड. उसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि मोशन है. राइट, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये बता दो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8. ओके, नेम इज मोशन. कोई बात नहीं, मोशन में होता क्या है, मोशन का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ. देखो, हर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है. राइट, तो हम मेजर कैसे करते हैं कि भाई इसने ये पोजीशन चेंज किया है. मैं ऐसे बोलूं कि आप अपने घर पे गए और घर से वापस आए तो आप क्या मेजर करते हो, डिस्टेंस मेजर करते हो. राइट, तो ये चैप्टर में पहला टर्म जो लर्न करेंगे वो होगा डिस्टेंस. राइट, दूसरा टर्म हम जो लर्न करने वाले वो है डिस्प्लेसमेंट. राइट, ये दोनों बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड टर्म है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, पर थोड़ा चेंज एक्चुअली ज्यादा चेंज. राइट, तो डिस्टेंस क्या है, सिंपली टोटल पाथ, टोटल पाथ इन ए गिवन टाइम, एक टाइम में कितना पाथ कवर किया, आने जाने रुकने सब. ओके, पर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, चेंज इन पोजिशन. सिंपल में बोलू तो चेंज इन पोजिशन, उसको हम बोलेंगे पोजीशन क्या चेंज हुई, पहले वो कहा था और अब कहा. ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल से सब कुछ समझ लें. ठीक है ना, मोशन चैप्टर बहुत ही इजी है, लॉजिकल है, दिमाग चलाओगे तो बहुत ही सिंपल लगने लगता है. ठीक है, हमने तीन सिटी लिया है, यहां पे है सपोज, यहां पे राजकोट है. ठीक है, यहां पे है मोरबी, यहाँ पे जूनागढ़. ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 65 किलोमीटर. ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से यहां तक का है 160 किलोमीटर. ओके, दोनों किलोमीटर में डिस्टेंस किसमें मेजर होता है, किलोमीटर में. ओके, मैं ऐसे बोलता हूं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इफ ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम मोरबी टू राजकोट, राजकोट टू जूनागढ़, जूनागढ़ टू राजकोट, राजकोट टू वापिस मोरबी. मतलब पाथ क्या है, एम टू आर, मैं ये इनिशियल्स लिख रहा हूँ, एम टू आर जा रहा है, आर से जे जा रहा है, जे से आर आ रहा है, आर से फिर मोरबी आ रहा है. तो इसका डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, देखो डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, 65 प्लस 160. क्यों 60, ये मोरबी टू राजकोट का डिस्टेंस क्या है 65, राजकोट टू जूनागढ़ का 165, फिर से जूनागढ़ टू राजकोट का फिर से 160 प्लस, फिर से जूनागढ़ टू राजकोट का हो गया और फिर आएगा राजकोट टू मोरबी 60. तो टोटल आंसर क्या आएगा, 65 और 65 130. ठीक है, दोनों 65 को ऐड कर दिया, हमें मिला 130 और 160 क्या आएगा 320. तो टोटल कितना किलोमीटर ट्रेवल हुआ डिस्टेंस के हिसाब से, हम 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर की जर्नी हुई. ठीक है, 160 एक बार राजकोट से जूनागढ़ जाने के, एक बार वापस आने के, फिर से 65 जाने के मोरबी के, 65 वापस आने के, टोटल 450 किलोमीटर हुआ अगर आप मोरबी से जूनागढ़ जाके वापस आए तो. पर इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क पड़ा, डिस्प्लेसमेंट में कुछ फर्क पड़ा, पोजीशन चेंज हुई कि नहीं, पहले कहां थे आप मोरबी, अब कहां हो मोरबी. ठीक है भाई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं,
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, अभी इसमें फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन मेरी है मोरबी, ठीक है, फाइनल पोजीशन है मेरी मोरबी, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है? वो भी सही, मोरबी। तो क्या हुआ इसमें? फाइनल पोजीशन इज सेम एज इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल, जीरो। समझ में आया कि नहीं? फाइनल पोजीशन क्या थी मेरी? मैं वापिस आके जूनागढ़ से वापिस आके कहां पे हूं? मोरबी में। गया कहां से था? मोरबी से। तो फाइनल पोजीशन है वही मेरी इनिशियल पोजीशन है, राइट। अभी मैं यही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करता हूं, बहुत नहीं। यही मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मोरबी आके फिर वो कच्छ गया, ठीक है ना, ट्रैवल टू कच्छ 250 किलोमीटर। अभी मेरी फाइनल पोजीशन क्या है बताओ? 250। इधर क्या होगा? कुछ नहीं है तो जीरो होगा ना, जीरो से। यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मोरबी टू राजकोट, राजकोट। अभी वो कच्छ में रुका हुआ है तो कच्छ की फाइनल पोजीशन क्या है? 250। और इनिशियल पोजीशन क्या थी मेरी? मोरबी। आंसर क्या आया? 215। क्लियर। तो फाइनल पोजीशन मतलब अभी वो पर्सन कहां रुका हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, समझ में आया। तो 250 माइनस 0 यू विल गेट 250 एज योर आंसर। और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का बस एक याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, छोटे छोटे नंबर सेव करते हैं तो क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 0, 2, 4, 6, ठीक है, -2, -4। ओके, सो यहां पे मैं रख रहा हूं A0, A, B, C, यहां पे रख रहा हूं डी और ओके। अभी एक पर्सन है वो 0 to B जा रहा है, B से वापस 0 आ रहा है, और 0 से वो आ रहा है फिर से ई, ठीक है ना। और यहां पे भी हम प्लस ही रखते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन प्लस ही, ठीक है। 0 से बी गया, बी से वापस 0 आया, यहां से वापस ई, ठीक है, ऐसा बात कवर किया। डिस्टेंस क्या होगा? 0 से बी तक का डिस्टेंस क्या है? 0 से बी तक का है भाई 4। बी से 0 का क्या है? बी से 0 का वापस आएगा +4, प्लस 0 से E का फिर से 4, आंसर आया 12। ये क्या मिला मुझे डिस्टेंस में? ओके, टू इजी, डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत इजी है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? फॉर्मूला यही रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है मेरी? E, 4। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। 4 किलोमीटर का शिफ्ट हुआ, जो पर्सन ने अगर यहां से स्टार्ट किया था तो उसका शिफ्टिंग अगर हम कंपेयर करें तो 4 किलोमीटर का शिफ्ट हुआ है, समझ में आ रहा है, राइट। अगर मैं ऐसे बोलूं कि वो पर्सन ने ए से स्टार्ट किया था, तो अभी मेरी इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन है वो ओ के रेफरेंस से लिया है, ओ में मेरा कितना किलोमीटर है? 0 किलोमीटर है। अगर मैं ये रेफरेंस पोजीशन है उसको चेंज कर दूं, सपोज ये इनिशियल पोजीशन मेरी है ए, तो क्या आंसर आएगा कोई बता सकता है? देख, तो इनिशियल पोजीशन ए, ए के ऊपर क्या है? 2, तो 4 - 2, 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक वाला ही पूरा फिगर है, 5-5 का डिस्टेंस में मैंने एक रोड जैसा बनाया है, राइट, 0 to 5, 5 to 10, सबके बीच में गैप्स कितने गए? 5 है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में दिया है एक्चुअली कि एक पर्सन है वो सी टू बी जा रहा है, बी टू ए जा रहा है, ए टू मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज करके बी तक लगा दिया, ठीक है। सी से वो पहले ए, सॉरी बी गया, बी से ए गया, फिर ए टू वापिस बी आया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, तो ये मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाई ना उसके, उसमें मैं गैप्स के बीच का डिस्टेंस लिख, 35 - 25, आंसर इज 10। इसमें 10 का गैप है, ठीक है, कितना गैप लग रहा है? 25, ठीक है ना, 25 किलोमीटर का डिफरेंस है। ओके,
तो सी टू बी गया होगा तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा 10, ओके। बी टू ए गया है तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 25, ठीक है भाई। और ए टू बी वापिस आया तो वही डिस्टेंस लिखना है 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 10 60, ठीक है 60 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो आपको दो चीज याद रखनी है, फाइनल माइनस इनिशियल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, ये याद रखना है। हम शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम डिस्टेंस, ठीक है ना? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कौन सा लग रहा है? देखो सी टू बी, बी टू ए गया, ए टू बी। मुझे तो सी टू बी, सी से नजदीक में बी पॉइंट लग रहा है, वैसे भी वो बी पे ही आके रुका है। तो मेरी फाइनल पोजीशन क्या है? बी माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी? सी वाली। तो बी वाली पोजीशन मतलब 35 माइनस सी वाली पोजीशन मतलब 10, सॉरी 5, 25। आंसर आएगा 10 किलोमीटर। क्लियर राइट? फाइनल मेरी थी 35, ठीक है, आके रुका है 25 पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल मैंने कैलकुलेट किया तो 10 किलोमीटर आंसर। ओके परफेक्ट, याद रह गया राइट? अभी मैं एक फिर से एक सम बनाता हूँ, यू कैन कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। देखो एक पर्सन है, वो यहाँ से यहाँ तक का भी गैप लिख देता हूँ, कितना होगा? 25 किलोमीटर, ठीक है। एक पर्सन है वो ओ टू, ठीक है, सी से स्टार्ट करते हैं। सी टू बी गया, बी टू ए गया, ठीक है, ए टू वापस सी आ गया और सी से ओ पे रुका। देखो इनिशियल पोजीशन वही आपका रेफरेंस है, सी से ही आपको रेफरेंस बनाना है, ये याद रखना। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सी टू बी क्या है, यहाँ पे ये जो डैश है ना उसके बीच में डिस्टेंस लिख रहा हूँ 10। ए टू बी क्या है? 25। ए टू सी क्या है? ए टू सी पूरा 25 प्लस 10 35, ये देखना खास, ठीक है। सी टू ओ क्या है? 25। आंसर क्या आएगा? 50 60 95 किलोमीटर, टोटल 95 किलोमीटर की जर्नी की उसने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो मुझे मालूम पड़ गया, बहुत इजी है, दोनों के बीच का गैप है वो प्लस कर देना है, कुछ भी नहीं देखना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखना है। अभी मेरा फाइनल पॉइंट क्या है? ओ। इनिशियल पॉइंट क्या था? सी। ओ मतलब 0 माइनस सी मतलब 25, आंसर विल बी -25। मतलब मेरे रेफरेंस पॉइंट के ओपोजिट डायरेक्शन में 25 किलोमीटर गया। तो आप बोलोगे सर कभी डिस्टेंस माइनस में होता है? नहीं होता है, पर रेफरेंस पॉइंट से वो माइनस में गया है। मतलब ये माइनस साइन वो नहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये 25 किलोमीटर पीछे गया, नहीं, ये वो इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन वो फॉरवर्ड जा रहा था उसके पीछे वाले डायरेक्शन में 25 किलोमीटर गया। सपोज ये मूर्ति है तो ये कच्छ गया, समझ में आया? यहाँ पे जूनागढ़, नाउ क्लियर? पीछे जर्नी की उसने 25 किलोमीटर, समझ में आ गया? सो इट इंडिकेट्स यू डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दे रहा है, मैथ्स की वैल्यू नहीं है -25 किलोमीटर। समझ में आ गया? क्लियर राइट? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेल्फ इवेल्युएट करना होमवर्क में, इसमें से ही दे रहा हूँ, ठीक है, रेफरेंस थोड़ा बदल दूंगा। बी टू ए जा रहा है, ए टू वापिस बी आया, बी से आके सी पे रुक गए, दोनों सर्कल किए, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। कल इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, इसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों की वैल्यूज जो है ना वो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर इसका देना है, ठीक है। और दूसरा न्यूमेरिकल दे रहा हूं, सेकंड, ओ टू ए और ए टू वापिस ओ, इसका क्या आएगा? सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड कर देना, ठीक है। कल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सिंबल के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत डेरिवेशन टाइप आता है, वो पहली बार आपने देखा होगा, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।